डिवाइडर के पास खड़े खराब ट्रक के पीछे से जा घुसी आयशर, अस्पताल में हुई ड्राइवर की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित गोलनिया फेट पर रविवार सुबह 4:45 के करीब एक आयशर रोड के किनारे खड़े खराब ट्रक में जा घुसी। वहीं ट्रक चालक व किन्नर हादसे होते ही मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार डिवाइडर किनारे खड़ी खराब ट्रक गाड़ी क्रमांक MH18AA6291 में समस्या आने से ठीक डिवाइडर के साइड में खड़ी थी। वहीं पीछे से आ रही आयशर क्रमांक MP09GH7191 ट्रक में जा घुसी। ट्रक इंदौर से सेंधवा की ओर जा रही थी, वहीं पीछे से आ रही आयशर इंदौर से बंबई की ओर जा रही थी, जिसके अंदर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सामान भरा हुआ था। खराब ट्रक के पीछे कोई संकेत सूचक नहीं था, जिसके चलते आयशर पीछे से जा घुसी। हादसे के दौरान आयशर चालक मुकेश विश्वकर्मा निवासी रीवा 30 वर्ष को 108 की मदद से ठिकरी अस्पताल भेजा गया, जिसके चलते इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। वहीं किन्नर कल्पेश सिसोदिया निवासी इंदौर 32 वर्ष को मामूली चोट आई। घटना की जानकारी मिलते ही 100 डायल मौके पर पहुंची व घटना की जानकारी ली, साथ ही घायलों को एम्बुलेंस की मदद से ठिकरी प्राथमिक केंद्र भेजा। वहीं ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए आयशर की क्रेन की मदद से रोड के किनारे किया। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट बरूफाटा।